हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रियंका आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चोरी व्लॉग्स पर। और आज का जो ये वीडियो रहने वाला है ना, ये मैं आप लोगों के साथ सामान शेयर करने जा रही हूँ कि मैं मतलब जा रही हूँ तो क्या क्या लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं वहाँ पर दे दूँगी तो उसके बाद मैं नहीं शूट कर पाऊँगी और फिर आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग पूछ लेते हैं कि प्रियंका आप क्या लेके गए, वो तो आपने नहीं दिखाया। तो आगे जो है सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। प्राइस में किसी भी चीज़ का नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको पता है ये एक गिफ्ट पर्पज़ के लिए ये चीज़ें होती हैं, तो इनका प्राइस तो मैं किसी का भी नहीं बताऊंगी। बाकी मैं आपको चीज़ें सारी दिखा देती हूँ कि क्या लेके जा रही हूँ और क्या नहीं, और आपको कैसा लगे वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कौन सी ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये भी बताना मुझे गुड़िया की, कौन सी ड्रेस सबसे प्यारी लग रही है आपको। और वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, वो तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो एक तो ये मैं लेके जाऊंगी, ये मैं मार्केट से नहीं लेके आई हूँ, और आप सब भी जब कहीं आते जाते होगे तो नहीं लेके आना पड़ता होगा क्योंकि ये ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर से उधर और उधर से इधर। ठीक है, तो ये एक मैंने बड़ा जोड़ा ले लिया है भाई के नाम का। और अब मैं आपको छोटे बेबी के कपड़े दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहला बहुत ही प्यारा सा ये कलर देखो एक तो, हाँ जी वो बाद में आपका भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले एक ये वाला पूरा कैमरे में ही आ जाएगा, ये तो एकदम चुटकू सा आया है ना, यहाँ पे ये कार्टून्स वगैरह बने हुए हैं। एक तो ये वाला टी शर्ट लिया है और इसके साथ ये वाला निक्कर है। ठीक है, ये पैच बने हुए हैं, ये जो है ना ये पैच है इस पे। फर्स्ट तो मैंने ये लिया है, साथ साथ मैं इनको फोल्ड भी कर दूंगी। ठीक है, और मैं जाने कब वाली हूँ वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं कल सुबह जा रही हूँ, कल सुबह मतलब टैंकर आएगा उसके बाद। आप बोलोगे कि जाते जाते भी टैंकर ही याद आ रहा है, तो क्या करें भाई, टैंकर का काम ही ऐसा है हमारा। तो कल टैंकर आ लेगा ना, उसके बाद फिर भर के और मैं चली जाऊंगी। पानी वानी थोड़ा ही भरना है, वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं है, और जा भी इसीलिए कल रही हूँ क्योंकि कल टैंकर आ लेगा, वरना मैं आज भी चली जाती अगर मैं चाहती तो, लेकिन सिर्फ टैंकर की वजह से मुझे छोड़ना पड़ गया आज का दिन। और अब मैं आपको सेकंड दिखाती हूँ। सेकंड जो ड्रेस है वो ये है, ये देखो बहुत ही प्यारा, जो सॉफ्ट वाला जॉर्जेट होता है ना, जॉर्जेट में है ये, बैक से इस टाइप का है ये, इस तरीके। और छोटी छोटी ड्रेस भी देखो कितनी फैंसी आती है ना, गर्ल्स के ड्रेस में यही होता है ना, बैक में ये इस तरीके का डिजाइन है और फ्रंट में ये। मेरे हिसाब से 4-5 महीने की होएगी ना तब पहन लेगी, जब तक गर्मी भी सही हो जाएगी, मतलब ठीक वाली गर्मी आ जाएगी। गर्मी में पहनने लायक ये ड्रेस भी। गर्मी तो है आज, गर्मी आज तो है, लेकिन बेटा फिर वैसे ही गर्मी आ जाएगी ना। और ये मस्टर्ड कलर की इसके साथ पैंट है। ठीक है, कॉम्बिनेशन मुझे ना देखते ही समझ आ गया था क्योंकि ब्लू ब्लैक रेड ये सब बहुत मिल रहे थे, लेकिन छोटे बच्चों की ड्रेस में मतलब ये कलर मेरा काफी दिन से मन भी था निश्चय को भी पहनाने का, येलो मस्टर्ड कुछ मैंने कभी नहीं पहनाया, बहुत छोटे में पहनाया था येलो, लेकिन अभी काफी टाइम से नहीं पहनाया और ये मुझे मिल भी गया, और साथ में छोटी सी बेल्ट भी है। ठीक है, मैं आपको लुक दिखाऊं वैसे इसका कैसे आने वाला है, मैं दिखाता हूं। अच्छा दिखाना दिखाना, पीछे तो हाँ पीछे करो बस। अब ये निश्चय का था जो निश्चय ने दिखाया है, ये वाली बनेगी। कलर इसमें ये भी थे बट मुझे यही वाला अच्छा लग रहा था। और देखिए इसकी बाजू कितनी लंबी है, आप भी तो लंबे हो ना, लंबे बच्चों की तो लंबी ही बाजू रहेगी। और यहाँ से दिखा दिया, चलो अब अपना फोल्ड करो। मम्मा तो जो दिखा रही है वो फोल्ड भी तो कर रही है मम्मा। आपको एक और दिखाती हूँ जो कि मैंने ये बॉक्स वाला लिया है। अरे मेरे बेटा तो अपनी इसको फोल्ड कर रहा है। एक मैंने ये लिया है ये बॉक्स वाला, क्योंकि मैं ना छोटे मोटे टॉयज लेने की सोच रही थी, फिर मुझे याद आ गया क्योंकि घर में बड़ा बच्चा भी है, सेकंड बेबी है ना उनका, तो फिर टॉयज तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो मुझे लगा इसमें छोटे छोटे ये टॉय भी दिख रहे हैं है ना, और नजरिए भी हैं, ये ठीक रहेगा। इसमें ये टी शर्ट, दो टी शर्ट है ये वाली और एक ये प्लेन वाली, और एक ये येलो ये निक्कर है और ये
डैडी कॉम छोटा सा, वैसे तो ये सारी चीजें कुछ काम नहीं आती, कॉम वॉम बच्चों को कहाँ किया जाता है, लेकिन फिर भी मुझे सही लग रहा था ये। और एक ये लेके आई हूँ, ये बॉयज ग्रुप में ही है लेकिन मतलब लड़के लड़कियों का छोटे बच्चों का चल जाता है एक जैसा, तो फिर मुझे यही लगा कि दो मतलब वैसे ले लेती हूँ लड़कियों वाले, और दो तीन ये हो जाएंगे। इसके साथ ये प्लेन है निकर, कलर बस मैंने थोड़े इस टाइप के ले लिए कि थोड़ा वैसे लगे, क्योंकि बच्चों पे थोड़े ना खिलखिलाते कलर अच्छे लगते हैं। ये तो पैंट है, पैंट। अच्छा जी, ये पैंट है, छोटी सी पैंट, ये छोटी सी पैंट है। सुन लो निश्चय की बात, अब मैं आपको लास्ट दिखाती हूँ गुड़िया का, जो अरे ये गुड़िया का थोड़ी है, ये तो आदि का है, आदि का ये नहीं है। एक ये है, ये आदि का पैंट है, खूब प्यारा सा घेर है, बहुत प्यारी लगेगी पहनने के बाद, अंदर कैन कैन वगैरह प्रॉपर लगी हुई है। और ये आदि का भी दिखाऊंगी, ये बेबी क्वीन का, आपको पता है ना कि मतलब बच्चों के उसमें काफी अच्छी ब्रांड है। निश्चय का भी एक बार मैं लेके आई थी बेबी किंग का, और वो इसने 2 साल पहना था, बहुत ही बढ़िया मतलब निकला था वो। ये इस तरीके का, यहाँ पे ना ये बो बना हुआ है बेल्ट पे, और इस तरीके का ये। आपको सबसे प्यारी कौन सी ड्रेस लगी गुड़िया की, वो मुझे जरूर बताना। वैसे तो मुझे पता है आप जो गर्ल्स लुक में हैं उन्हीं का कमेंट करो क्योंकि हर किसी को अच्छी लगती है लड़कियों की छोटी छोटी ड्रेस। और ये निश्चय जो आपको दिखा रहा है, ये उसकी बड़ी बहन की है आदि की। अब मैं आपको है ना बड़ी वाली गुड़िया की दिखाती हूँ, क्योंकि ये मैंने अब बताया ना ये सेकंड बेबी है, पहले एक बेटी है, ये दूसरी बेटी है। तो ये कितनी छोटी सी पैंट है, ये पैंट नहीं है बाबू, ये उसके लिए है, ये टॉप देखो, इसमें ना शिमर लगा हुआ है, आपको अगर दिख रहा हो तो देखो ये सिल्वर कलर का, और ये इस तरीके के ये क्रोशे के फ्लावर है, दिखाऊंगी दिखाऊंगी वेट ऐसा है नीचे से देखो, ये इस तरीके का है, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रिपल लेयर सी हो, बट ये लेयर नहीं है। और अब मैं बैक से दिखा देती हूँ, बैक से ये इस तरीके का है, जैसे उसका छोटी गुड़िया का है ना, ऐसे ही है ये भी। और देखिए ये पैंट ऐसी है, देख ली पैंट, लाओ दूर से और दिखा देती हूँ एक बार, पैंट। ये उसकी स्कर्ट है, क्योंकि अब मैंने सर्दी के कपड़े लिए नहीं, सर्दी के थे और सस्ते भी दे रहे थे सर्दी के, क्योंकि जाता सीजन आपको पता है, जाते सीजन में थोड़ा ऑफ करके दे देते हैं, लेकिन मुझे लगा सर्दी के लेने का कोई फायदा नहीं है। और ये यहाँ से ना इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं, मुझे तो लड़कियों के कपड़ों का पता भी नहीं है क्योंकि खरीदने में ही नहीं आते भाई कभी भी। फिर मैंने उनको ये बोला कि भैया ये कमर तो काफी बड़ी रहेगी, तब उन्होंने बताया कि ये इलास्टिक है ना, इसको आप यहाँ से आगे से खींच के और ये बटन से एडजस्ट कर सकते हो। प्यारी लगती है ना छोटी छोटी स्कर्ट, छोटे छोटे टॉप। इस तरीके का और देखिए इसमें एक और टी शर्ट है, इसमें देखिए इसमें लाइट चमक रही है, देखिए आराम से देखिए इस लाइट को, देखिए छोड़ दो आराम से देखिए, लाइट दिखा रहा हूँ, ला और दिखाने दे बेटा सामान फटाफट से, हट जाओ कितना टाइम हो गया, रुक जाओ 6 बजे। एक मैं ना ये लेके आई हूँ, एक मैं ये बैंगल्स लेके आई हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं थी लेकिन मुझे ना मतलब इनका डिजाइन देखते ही पसंद आ गया था, पता नहीं है कैसे लग रहे हैं कैमरा में कैसे नहीं, लेकिन दूर से जैसे ये रखे थे ना तो मुझे देखते ही बहुत अच्छे लग गए थे ये। और गोल्डन कलर है ना तो चल भी सब पे जाता है, और अच्छे भी बहुत लग रहे हैं दूर से, पता नहीं कैमरा में कैसे लग रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ डिजाइन अच्छा सा लगा इनका। ये देखो, क्योंकि मैं छोटा सा बिंदी का पत्ता लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास रेड मेहरून तो थी, लेकिन ये मल्टी कलर वाला लेके आना था मुझे, एक ये लेके आई हूं। और देखिए ये तो इन सबने मेरी सारी चीज देख रखी है। अच्छा आप पीछे हो जाओ, चलो ऐसे लगाना है कि देखिए नहीं बेटा बंद करो उसको, अभी ऐसे लगा, निश्चय मम्मा की आग में सुबह सब्जी लग गई थी ना, देखो ऐसे बेटा फूट जाएगी ऐसे आग लगा दोगे आप और एक ना मतलब मेरे पास जो क्लच होते हैं वो भी 2-3 रखे हैं, जो हैंड पर्स है वो भी रखे हैं,
बड़े वाले बैग भी कई हैं, लेकिन मतलब ये मेरे को चाहिए था एक स्लिंग बैग। और सही बताऊँ मैं अब भी कंफ्यूज हूँ कि मेरे को वो कलर लेना चाहिए था जो आपने कल की वीडियो में देखा था, या फिर ये वाला कलर लेना चाहिए था। बट मैंने ये ले ही लिया, फाइनली ये कलर लिया है मैंने। कैसा लग रहा है आप बताना मुझे। और ये बेल्ट ना मतलब एडजस्ट कर सकते हैं हम, इसको छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं बिल्कुल। तो ये मुझे लगा कि इसमें ये वाला फायदा है, बेल्ट हट जाएगी ना तो कहीं पार्टी वार्टी में भी ले जाने के देखिए काम आ जाएगा, है ना, देखिए इस तरीके का है। देखिए और वैसे ये स्लिंग बैग है। देखिए मेरा पैसा कैसा है। पैसा कैसा है? पैसा तो अच्छा ही होता है बेटा, पैसा तो सबको पता है अच्छा होता है। एक जो है मैं ये वाला बैग लेके आई हूँ, ये मैं वहां जाने के लिए नहीं लेके आई हूँ, बट ये मैं मार्केट गई हुई थी ना तो मतलब स्पेशली तो जाया नहीं जाता, लेकिन मेरे को दिखा, मेरे को थोड़ा सही लगा इसका डिजाइन, तो मेरा मन हो गया कि चलो ले ही लेती हूँ। ठीक है, ये ना इसका मतलब दूसरा जो मैं लेके आई हूँ वो मैं बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने उठा के रख दिया, क्योंकि यही मैंने पहले बाहर निकाल लिया है, वो थोड़ा सा पार्टी वियर लुक में है तो वो मैंने उठा के रख दिया है। अब वो मैं आपको फिर वहां से आने के बाद दिखाऊंगी। एक मैं ये लेके आई हूँ, ये देखो इधर से ब्लैक है और इधर से रेड है, बताना जरूर कि आपको कैसा लगा। मुझे ना मतलब थोड़ा ऐसा चाहिए था जो कि मतलब सूट पे, साड़ी पे, किसी भी चीज पे हम पहन सके, है ना। और कुछ मुझे ना जो ये वाली पट्टी होती है ना, ये यहाँ तक कवर चाहिए थी जैसे इसमें है, उसका रीजन ये है कि मेरा पैर ना थोड़ा हैवी है, मतलब थोड़ा चौड़ा है, तो वो यहाँ से अगर पतला होता है ना सैंडल तो फिर वो जचता ही नहीं है, पैर बाहर को निकलता है। इधर से बहुत प्यारी लग रही है पैर, मतलब इसकी जबरदस्त आ रही है, अभी फिर से मैंने पहन के देख ली आप लोगों से बात करते करते। और अब मैं आपको है ना थोड़ा सा और सामान दिखाती हूँ, मैं अलमारी में से निकाल रहा हूँ, ये देखो स्पाइडरमैन आ गया। चलो आप स्पाइडरमैन से बात करो, मैं अभी आती हूँ। स्पाइडरमैन अब मैं आपको है ना कुछ सूट दिखा रही हूँ। ये सूट एक तो जिसपे डक बनी हुई है जाम कॉटन में, इसका कलर ना लाइट मतलब गोल्डन है, क्रीम गोल्डन आप इसको बोल सकते हो, वो कलर है इसका। ये सूट किसके लिए है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये सूट है मेरी मम्मी के लिए। मम्मी को वैसे ना इसका ग्रे कलर पसंद था, लेकिन मेरे को यही वाला कलर पसंद था। और ये वाला सूट है खादी रियोन में, जो कि आपने मेरी सूट वाली वीडियो में देखा ही होगा, ये बटरफ्लाई बनी हुई है इस पे, सारा एम्ब्रॉयडरी का ही है, वो डक भी एम्ब्रॉयडरी में ही है और बटरफ्लाई भी एम्ब्रॉयडरी में ही है। ये सूट है भाभी के लिए, जिनको बेटी हुई है ना उनके लिए। एक और सूट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा, नहीं वीडियो में नहीं दिखाया था, ये मैंने व्हाट्सएप पे लगाए थे, वहीं से ही चले गए थे इसके दोनों तीनों कलर, एक बार वीडियो में दिखाए थे, सेकंड टाइम वीडियो में नहीं दिखा पाई थी। ये इसका दुपट्टा है पूरा हैवी, ठीक है, ये इसका दुपट्टा। तो ये सूट भी भाभी के लिए है, और अब आप सोच रहे होगे मैं मम्मी और भाभी के लिए क्यों लेके जा रही हूँ, तो मैं नहीं लेके जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं लेके जा रही हूँ, ये ना उन्होंने पसंद किए हुए हैं। जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती हूँ, फिर भाभी मेरी मम्मी को दिखा देती हैं कि बुआ देख लो आपको कौन सा सही लग रहा है, तो मम्मी को दो सूट पसंद आए थे लेकिन वो जा चुका था पहले, इस वजह से फिर मैंने कहा मम्मी ये वाला कलर मैंने आपके लिए पहले ही सोच के रखा हुआ था, तो मम्मी ने कहा चल ठीक है जो तेरे को सही लग रहा है तू वो ले आइयो, तो इसलिए तो मुझे लगा जाते जाते आपको ये भी दिखा दूं कि हाँ उन्होंने सूट कैसे कैसे लिए, क्योंकि वहां जाके अगर मैं खोल के दिखाऊंगी तो फिर आपको लगता कि अच्छा ये तो चीज प्रियंका ने दिखाई नहीं, ये थी क्या जब सामान ले जाने की बात कर रही थी तो ये नहीं दिखाई। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को अब मैं यहीं से एंड करूंगी, क्योंकि अभी ना बहुत सारा काम मुझे करना है, अब ये जितना भी सामान मैंने फैलाया आपको बताइए ये सारा पैक भी करना है और कुछ कपड़ों पे प्रेस भी करनी है, तो इसलिए आज के इस वीडियो को यहीं से एंड कर देती हूँ। और अब मैं मिलूंगी आपसे कल अपनी नेक्स्ट नई अच्छी सी वीडियो के साथ वहीं पे पहुंच के, तो चलिए फिर बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो।